सकते हैं। तो इसको बोलते हैं देव उठनी एकादशी। तो इस दिन उठते हैं और इसी दिन जो है उनकी शादी होती है तुलसी माता जी के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज है एकादशी, यानी कि देव उठनी एकादशी है। और आज जो है तुलसी माता जी का विवाह होता है श्री हरि विष्णु भगवान जी के साथ। तो आज के दिन जो है काफ़ी लोग जो है पूजा वगैरह करते हैं। काफ़ी लोग जो है एक महीना, ये जो पूरा कार्तिक का चलता है, पूरा एक महीना तक जो है कार्तिक स्नान करते हैं। और एकादशी के दिन जो है श्री हरि विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का, सॉरी माँ लक्ष्मी कह रही हूँ, माता तुलसी का जो है विवाह करवाते हैं आज ही के दिन। ऐसा भी कहते हैं जिनकी कन्या नहीं है, अगर कोई मतलब कन्यादान का पुण्य लेना चाहता है, वो आज के दिन जो है तुलसी माता का कन्यादान कर सकता है। तो वैसे बताना चाहूँगी कि हमारा यहाँ पे जो है तुलसी माता का विवाह जो है लास्ट ईयर हो चुका है। तो आज जो है सिर्फ पूजा हो रही है यहाँ पे। मम्मी जी जो है एकादशी का व्रत रखते हैं और आज है देव उठनी एकादशी। तो देव उठनी एकादशी का मतलब है, मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। क्योंकि जो श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं वो चार महीने की जो निद्रा है, उनकी योग निद्रा है, वो सो जाते हैं चार महीने के लिए। तो उस टाइम पे जो है कोई भी शुभ काम नहीं होता है। तो उस टाइम के बाद जो है जब सो के उठते हैं तो उसको बोलते हैं देव उठनी एकादशी। यानी आज के दिन ही श्री विष्णु भगवान जी अपनी योग निद्रा से उठेंगे और फिर माता तुलसी के साथ जो है विवाह करेंगे। आज के दिन माँ तुलसी जो है श्री विष्णु भगवान की पटरानी बनती हैं एक दिन के लिए सिर्फ। तो आज के दिन जो माता तुलसी हैं उनको पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है। वैसे मैं, मुझे जितनी नॉलेज है वो मैं आपको बता देती हूँ, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए श्री विष्णु भगवान जी हैं और माता तुलसी जो है हरदम श्री विष्णु भगवान के साथ जो है ना, माँ लक्ष्मी का ही नाम मुझे मुँह पर ही आ रहा है, लेकिन आज के दिन जो है माता तुलसी के साथ जो है उनका विवाह होता है। तो यहाँ पे मम्मी जी ने फास्ट रखा था तो यहाँ पे कलश वगैरह जो है अब स्थापित किया है और जोत वगैरह जलाई हुई है। जो भी होता है इसमें प्रसाद वगैरह आंवला ज़रूर चढ़ाया जाता है, आंवले का जो मुरब्बा होता है या आंवला किसी भी तरीके से आज के दिन जो है ज़रूर चढ़ाया जाता है। एकादशी के दिन, एकादशी के दिन जो है चावल नहीं खाया जाता है। काफ़ी सारी मतलब है मान्यताएँ, नहीं खाया जाता है चावल। और आज के दिन आंवला प्रिय होता है और श्री हरि विष्णु भगवान को कोई भी चीज़ चढ़ाओ तो उसके अंदर तुलसी पत्र होना ज़रूरी होता है। पर आज के दिन तो माँ तुलसी का विवाह हो रहा है तो आज के दिन शायद नहीं तोड़ते हैं वैसे तो। वैसे यहाँ पे पूरा पूजा वगैरह हो रहा है और मैं वैसे तैयार हुई थी तो मैंने सोचा था कि चलो पंजाबी लुक भी क्रिएट कर लूँगी एक, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला यार क्रिएट करने का। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी और दिन करूँगी। अब तो यहाँ पे बस पूजा वगैरह हो रही है और मेरी और मम्मी जी की पूजा हो गई है। मैंने फास्ट नहीं रखा, बस पूजा की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंवले का मुरब्बा है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ जो है मम्मी जी जितनी उनकी श्रद्धा है उतना चढ़ाते हैं। तो बस पूजा वगैरह यहाँ पे करेंगे हम लोग। कहाँ भाग रहा है बाथरूम में? यूवी चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो चलिए। ये देखो बाथरूम में। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये ऐसे क्यों पहना है, मां टीका वगैरह नॉल। तो वैसे मैं तैयार हुई थी कि मैं वीडियो शूट करूंगी एक पंजाबी लुक के ऊपर, पर लगता है आपको ये कुछ करने देगा मुझे ऐसा कुछ। भागे जा रहे हैं यहाँ से वहां, मुझे छोड़ छोड़ के भागना पड़ रहा है। और आज जो है हमारे घर पे तुलसी माता का विवाह भी है। तो ये देखिए हमारे घर पे जो है तुलसी माता का विवाह नहीं है, सॉरी
विवाह तो हो गया था पिछले साल, इस साल जो है पूजा हुई है सिर्फ आज एक। देखो पजामे भी गिल्ली कर ली गंदे लड़के, वो क्या कर रहा है देखो, ये देखो लेट गया पूरा फर्श पे। आज देखिए हमारे घर में ये देखो यूवी को उल्टी आ रही है इसको सुन के सारी चीजें यूवी, और आ जा बेटा इधर यूवी यूवी, ये देखो अलग ही इनकी एक्सरसाइज चल रही है। देखो मेरे तो ना भगा के रख देता है इधर से उधर इधर से उधर, बस कहाँ जा रहे हो? बाथरूम में ही जाएगा बस, उधर पानी चाहिए जहाँ पे पानी होगा ना वहाँ पे। देखो अपने पजामे भी गीली कर ली इसने, चलो पकड़ के लेके आऊँ फिर से मैं इनको, चलो चलें चलें, कहाँ चलना है, कहाँ कहाँ, आजा आजा आपको पकड़ के नहीं लेके चलूंगा मैं, चलो जल्दी चलो चलो अंदर आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ देखो, आपको लगता है कुछ करने देगा मुझे ये यूवी? ओहो, और यहाँ पर जो है बस थोड़ा बहुत तो डांस वगैरह किया था हम लोगों ने, क्योंकि मामी जी जो है हमारी उन्होंने साड़ी डाली थी तो उनका मन था डांस करने का, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कर लेते हैं अगर उनका मन है तो, बस थोड़ा ही किया था ज़्यादा नहीं किया था। ये देखो यहाँ पे जो है तुलसी माता की पूजा हुई है आज, और मोबाइल से गाना लगाया हुआ था मम्मी जी ने, और देखो कैसे यूवी जो है ना लेकर भाग जा रहा है मोबाइल। ये देखो दिया का गिर जाएगा, यूवी नो जल जाओगे बेटा, इधर आ जाओ बाबू, देखो दे ही नहीं रहे तब से मम्मी मांग रहे हैं। यहाँ सब्जी काट रहे हो अभी, यहाँ हम छोड़ के जा नहीं सकते, यहाँ पूजा हुई है एक जन को रहना जरूरी है यहाँ पे। देखो यूवी की हरकत है तो देख पकड़ लो ना उसको थोड़ा। Hey everyone, welcome back to my channel. कैसे हो आप सभी लोग? I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। So guys, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को अभी वीडियो में बताया कि आज है एकादशी, देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी का मतलब होता है कि जो विष्णु भगवान जी हैं वो चार महीने जो है ना सोए रहते हैं, निद्रा में रहते हैं, तो इतने पीरियड तक वो सोए रहते हैं। उसके बाद जो है आज का दिन जो है एकादशी का है, और एकादशी के दिन जो है ना विष्णु भगवान जी उठते हैं, तो इसको बोलते हैं देव उठनी एकादशी। तो इस दिन उठते हैं और इसी दिन जो है उनकी शादी होती है तुलसी माता जी के साथ। तो फास्ट जो है मैं नहीं रखती थी एकादशी का, तो मम्मी जी पहले रखते थे, तो उन्होंने जो है लास्ट ईयर जो यूवी हुआ था तो उस टाइम जो है उन्होंने क्या किया कि तुलसी माता का विवाह कर दिया, और उसके बाद से जो है मतलब एक तरीके से क्रिएट करूंगी पंजाबी लुक, पर मुझे जो है टाइम ही नहीं मिला,
तैयार तो हो गई, तो मैं जो है शूट भी नहीं कर पाई। और पता ही है आप सभी लोगों को, जिनके घर में टॉडलर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको कहाँ इतना टाइम मिलता है, और कोई है भी नहीं अभी फिलहाल घर पे। जो मेरी दोनों सिस्टर इन लॉज थी वो भी चले गए दिल्ली, तो यूवी के चाचू अपना स्टडीज में चले गए, मम्मी जी जो बिजी थे, हस्बैंड भी अपने ऑफिस में, और पापा जी भी जो है अपना वर्क में, सभी लोग तो बिजी हैं। तो मैं किसको दूँ यूवी को, मुझे ही देखना है, जाहिर सी बात है। तो मैंने सोचा था कि ये लुक क्रिएट किया है तो मेकअप का लुक, मैं ये मेकअप का वीडियो बनाऊंगी, बट यार नहीं बना पाई, आई एम सॉरी, पर मुझे अच्छा लगा था ये लुक। वैसे मैं आ गई हूँ, शाम का टाइम हो गया है और मैं जा रही हूँ फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद रोटी बनाऊंगी और फिर हम सभी लोग करेंगे डिनर। तो चलिए बना लेती हूँ मैं अपना खाना। तो मैंने जो है ये लौकी काट ली है पहले ही बाहर बैठ के मम्मी जी के साथ, तो मैंने लौकी काट ली है, मैं फटाफट जा रही हूँ इसका तड़का लगाऊंगी। जो है ना एकदम गा पड़ जाता है, जाता है ना कि काम सब कुछ काम कर दो फैल जाती है रसोई। तो वैसे जो है मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल चेंज नहीं किया था, मैंने सोचा था कि अगर मुझे बीच में टाइम मिल गया तो मैं एक दो रील्स बना लूँगी, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। और उस पे जो है मैंने सोचा कि चलो पहले खाना वगैरह भी बना लेती हूँ, तब तक जो है पहनी रहती हूँ, कोई हर्ज नहीं है, अच्छा भी लगता है कभी कभी जो है थोड़ा थोड़ा सज सवर लेना चाहिए। वैसे भी अभी जो है ये बात तो सच कहते थे कि जैसे कि बेबी हो जाता है ना उसके बाद जो है टाइम नहीं मिलता है इतना किसी को भी, जो लेडीज़ होती हैं उनको तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता गर्ल्स को। तो फिलहाल जो है मैंने आज मौका निकाल के जो है पहन तो लिया, पर वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं मेकअप का, लेकिन मैंने सोचा चलो मेकअप का नहीं कर पाई तो व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने जैसे कि बताया कि आज देवउठनी एकादशी है, तो आज श्री विष्णु भगवान जी और माँ तुलसी की शादी भी होती है, शादी हो चुकी थी ऑलरेडी लास्ट ईयर हम लोगों ने कर दी थी, तो आज जो है सिर्फ पूजा हुई है, और जहाँ पूजा हुई है वहाँ कलश रखा था, और जहाँ कलश रखा होता है वहाँ पे जो है हमेशा किसी न किसी पर्सन का होना ज़रूरी होता है। तो अभी जो है मैं भी खाना वगैरह बना लूँगी एंड देन उसके बाद हम सभी लोग जाएंगे वहाँ पे इंजॉय करेंगे। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।